वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज रोहित। आज 11 सितंबर, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली आपने सर्च करना हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना। इफ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड गाइज, आज के वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है जस्ट फॉर टुडे। एंड आज आपके साथ कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी शेयर करने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, वो एट दी एंड ऑफ द वीडियो करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आज के कर लेते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत करेंगे मोदी जी। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो फिश प्रोडक्शन है यानी कि मछली उत्पादन को 70 लाख टन्स तक करना है हमने बाय द एंड ऑफ 2024-25 तक। ओके, तो इस योजना का नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे मोदी जी लॉन्च करेंगे टू इन्हांस फिश प्रोडक्शन। अब मछली उत्पादन में एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया था मैंने, आपको याद होगा बिल्कुल, तमिलनाडु मछली उत्पादन में नंबर 1 पे है। ओके, फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। ओके, अगर फ्रूट्स के मामले में पूछे एग्जामिनर तो आंध्र प्रदेश, एंड अगर वेजिटेबल्स के मामले में पूछे तो वेस्ट बंगाल। ओके, मार्केट बोरोइंग में RBI का रिपोर्ट आया था तो तमिलनाडु नंबर 1 पे था, वो आप याद रखेंगे। एंड अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने एक फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर जो अपॉइंट किया है। ओके, वो आपने याद रखना है, मैरीन एम्बुलेंस केरल द्वारा स्टार्ट की गई है एंड फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर जो अपॉइंट किया गया, हायर किया गया तमिलनाडु द्वारा। ओके, तो ये डिटेल्स आप याद रखेंगे एंड इस योजना का नाम भी आप याद रखेंगे जिसे मोदी जी लॉन्च करेंगे। ओके, सेकेंड है हमारा, भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मधाना बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर स्पॉट। प्लेयर स्पॉट हमारा फैंटेसी गेमिंग रहती है हमारी, जैसे ड्रीम 11 है, तो इसी तरीके का ये एक गेम है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मधाना को अपॉइंट किया गया। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपने याद रखने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है परेश रावल यानी कि बाबू भैया। ओके, तो इन्हें बनाया गया न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो ये थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, परेश रावल का नाम याद रखना आपने। ओके, एंड इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया फ्रांस रशिया ट्राइलेटरल डायलॉग, ये वर्चुअली हेल्ड हुआ, COVID-19 की वजह से सारे जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं वर्चुअली ही हो रही हैं, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ तीनों कंट्रीज़ के बिटवीन ट्राइलेटरल डायलॉग ये वर्चुअली हुई। एंड इंडिया को हमारी तरफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। एंड फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस को किसने रिप्रेजेंट किया, फ्रांस को रिप्रेजेंट किया फ्रांसोइस डिलार्ड। ओके, ये कौन है जी, इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया फ्रांसिस एडमसन ने। ओके, ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड सेक्रेटरी फ्रांसिस एडमसन ने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया। ओके, तो ये डिटेल्स सारी आप PDF डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश फ्लैग्स ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट किसान रेल, तो साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल आंध्र प्रदेश कि मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी एंड नरेंद्र तोमर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन दोनों द्वारा इसे फ्लैग ऑफ किया गया आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर रेलवे स्टेशन इन न्यू दिल्ली। ओके, तो इसका नाम आपने याद रखना, नाम क्या याद रखना, आपने याद रखना कि साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल। किसान रेल का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स के लिए ही है। ओके, एंड उसके बाद ये तो सेकंड आ गई, अगर इंडिया की फर्स्ट पूछें, साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल का उद्घाटन अभी किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, एंड इंडिया की फर्स्ट किसान रेल की शुरुआत ये हुई थी महाराष्ट्र से, एंड ये चल रही है, जो किसान रेल चल रही है वो चल रही है देवलाली इन महाराष्ट्र एंड दानापुर इन बिहार। ओके, ये भी कुछ टाइम पहले इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। ओके, नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश फिर से लॉन्चेस टू न्यूट्रिशन स्कीम्स YSR संपूर्ण पोषण। जैसे ही YSR आया एग्ज़ाम में तो आंध्र प्रदेश टिक करके आएंगे आप लोग। ओके, YSR संपूर्ण पोषण एंड YSR संपूर्ण पोषण प्लस। ओके, तो दो स्कीम्स लॉन्च की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन इन द स्टेट।
तो ये दोनों योजनाओं का आपने नाम याद रखना है। ओके देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI टू लॉन्च न्यू लोन स्कीम। सफल इस स्कीम का नाम रखा गया, जो भी कॉटन ग्रोवर्स हैं, ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम है, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो सफल की जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, जो SBI द्वारा इसको लॉन्च किया गया। SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर्स मुंबई में। ओके नेक्स्ट इज ऑन 8 सितंबर द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट वॉज वर्चुअली, इसे ये वर्चुअली हुआ, इसमें 149 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया, कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसे होस्ट किया, जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे इंडिया में गुरुग्राम में, एंड इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड फिक्की द्वारा। ओके तो ये याद रखेंगे, 8 सितंबर को 149 नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप्स एनहांस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस 2.0 ईज इसको टॉप किया। इसके जो मेन पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ये रिपोर्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन निकालता है, एंड इसके MD एंड CEO हैं सुनील मेहता। इसके जो मेन पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स तो 100+ देखे जाते हैं, बट कुछ मेन पैरामीटर्स आपने याद रखने, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, क्रेडिट टेक ऑफ, गवर्नेंस एंड HR, तो इस तरीके के कुछ मेन पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें टॉप किया, ये आप याद रखेंगे, फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये रहा थर्ड नंबर पे। ओके बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा, एंड इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इज़ द MD, लाइक इज़ द टैग लाइन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके नेक्स्ट हमारा 10 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ओके तो 10 सितंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसका थीम जो रखा गया, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ओके एंड फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया था 2003 में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड टू सर डेविड एटनबोर फॉर 2019। तो डेविड एटनबोर को ये सम्मानित किया गया इंटरनेशनल इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 का। ओके इज एन इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड हिस्टोरियन, जिन्हें सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। एंड इसके बाद अनिल जैन बिकेम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन रिप्लेसिंग प्रवीण महाजन। तो अनिल जैन का नाम आप याद रखेंगे। ओके एंड इसके बाद जी आपके लिए ये क्वेश्चन, ये आपने बताना मुझे, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इटली कौन है, अपॉइंट किए गए, इनका नाम आप बताएंगे। ओके एंड गाइस आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। एंड गाइस देखो, आज का वीडियो थोड़ा आपको, यू आर फीलिंग कि सर आज जल्दी क्यों कर रहे हो, एक्चुअली लेट नाइट इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड इस वजह से ही मैंने इसको वन लाइनर लिया, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। एंड गुड न्यूज़ जो थी, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो काफ़ी लेट नाइट वापस पहुंचा था, सो आई डिसाइडेड कि वीडियो अपलोड कर लूँ। हाँ गुड न्यूज़ की क्या बात, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, गाइस देखो एज यू नो कि आई एम फ्रॉम UT जम्मू एंड कश्मीर, तो 2G चल रहा है, सो फाइनली जियो फाइबर इंस्टॉल करवा लिया है, होपफुली आज लाइक शाम तक फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा एंड हमारा हाई स्पीड इंटरनेट वापस, वैसे सरकार ने तो इंटरनेट नहीं दिया बट जियो फाइबर, थैंक्स टू मुकेश अंबानी जी जो लाइक घर घर तक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, सो फाइनली इस एरिया में भी आ चुका है, नाउ कल होपफुली इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि आज। ओके एंड उसके बाद अब बेनिफिट क्या होने वाला है, देखो जैसे कि आप लोग जानते हो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला, NTPC के एग्ज़ाम की 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी उसकी डेट अनाउंस हो सकती है, सो उसके लिए हम आपके लिए डेली इवनिंग में लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं, क्योंकि ये डिमांड काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की थी भी, पहले हम करवाते भी थे बट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पॉसिबल हो पाता था, बट फाइनली चलो अब जियो फाइबर आ जाएगा, तो उसके बाद आपके लिए डेली इवनिंग में शाम को एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, या 9 o'clock या 10 बजे या 9 बजे, जब भी हमें लगेगा सूटेबल। ओके वो वोट करवा लेंगे आप लोगों का, जैसे आप लोगों को सूटेबल लगा तो उसमें फिर डेली आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें डेली 30 questions हम मिनिमम लेंगे ही लेंगे फ्रॉम लास्ट 6 month करंट अफेयर, चाहे आप बैंकिंग एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, LIC की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, कौन सा भी एग्ज़ाम है, कौन से भी इंडियन स्टेट का, कौन से भी गाँव का एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं, डोंट नीड टू वरी। बस यही चीज़ थी कि अब इंटरनेट का इंतज़ार था, तो फाइनली अब इंटरनेट अगर स्पीड मिलेगी तो आपको भी वो बेनिफिट मिलने वाला है। ओके तो डेली इवनिंग में आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, तो बस यही थी गुड न्यूज़।
तो इससे होगा क्या कि आपकी सारी चीज़ें रिविज़न हो जाएंगी। ओके सो गाइज, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, एंड होपफुली अगर इंस्टॉल हो जाता है तो आज शाम से ही कोशिश करूँगा कि एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाएं एज ए डेमो, देन उसके बाद डेली आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे जिसमें आपके लास्ट 6 मंथ करंट फिर हम आपको याद करवा देंगे अच्छे से। ओके सो गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जितना हो सके शेयर करो एंड सपोर्ट अपना बनाए रखो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।